दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। 2016 के अंत में जब रणबीर को इस फिल्म के लिए संजय दत्त का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया गया था तो उस वक्त संजय दत्त ने रणबीर कपूर को काफी बेइज्जत किया था। संजय दत्त ने एक प्राइवेट पार्टी में रणबीर को कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने तुम्हें क्यों कास्ट किया। इस पार्टी में राजकुमार हिरानी, डेविड धवन और कई दूसरे सितारे भी मौजूद थे। हालांकि इसके बाद भी रणबीर कपूर ने इस फिल्म में काम किया और खुद को हूबहू उनकी तरह ढाल भी लिया। इस वजह से हिरानी ने फिल्म के लिए रणबीर को चुना। दरअसल निहाल ही में राजकुमार हिरानी ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए रणबीर को मैसेज किया था और उनसे कहा था कि उनके पास एक स्क्रिप्ट है और वह मिलकर इस बारे में बात करना चाहते हैं। इस पर रणबीर कपूर ने जवाब देते हुए कहा था, मुझे उम्मीद है कि यह दत्त बायोपिक नहीं होगी। इसके बाद हिरानी ने एक और मैसेज करते हुए कहा था, यह वही फिल्म है लेकिन इस बारे में मिलकर बात करते हैं। हिरानी ने आगे बताया, रणबीर ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वह काफी प्रभावित हुए और फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए। हिरानी ने यहाँ यह भी बताया कि रणबीर ने संजय दत्त के बारे में और उनसे जुड़ी खबरों कॉन्ट्रोवर्सीज को सुना था और इस वजह से वह पहले इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ हिरानी ने यह भी बताया कि उन्होंने रणबीर को उनकी उम्र की वजह से भी चुना क्योंकि उन्हें कोई ऐसा एक्टर चाहिए था जो 21 साल की उम्र से लेकर 56 तक की उम्र में खुद को ढाल सके। यह फिल्म जून में रिलीज होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।